I am S.K. Mishra and I welcome you. पांच सेंटेंसेस फिर आपके लिए लाया हूं मजे मजे में मनोरंजन के साथ अंग्रेजी सीखे हेडेक मोल ना लें सिरदर्द मोल ना लें पांच सेंटेंस 500 के बराबर है। उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया कितना कॉमन सेंटेंस रोजाना बोले जाने वाला। उसने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया He charged me. अब यदि कोई महिला है she charged me. मुझ पर इल्जाम लगाया I charged her. उस मैंने ऊपर इल्जाम लगाया ऑफ शब्द का प्रयोग होगा ध्यान रखें ऑफ theft. theft माने होता है चोरी। उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया He charged me of theft. यदि कोई महिला है तो ही की जगह शी कर दीजिए। You charged me of theft. तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया तो यू आ जाएगा। इस तरीके से अंग्रेजी बनती है। मुझे सुबह सुबह जागने की आदत पड़ गई है I have become habituated. मुझे आदत पड़ गई है To rising early in the morning. सुबह सुबह मुझे उठने की आदत पड़ गई है। She has become या my mother has आएगा फिर have नहीं है has आएगा। My mother has become habituated to rising early in the morning. मेरी माँ को सवेरे सवेरे जागने की आदत पड़ गई है। My mother has become habituated to rising early in the morning का अर्थ होता है सवेरे सवेरे सुबह सुबह। दाल में थोड़ा नमक डाल दो put some salt in pulses. अब यही कह रहा हो मेरी दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो put some salt in my pulses. उसकी दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो put some salt in his pulses. तो इस तरीके से अनेकों अंग्रेजी बन सकती हैं। भाग्य का लेख अमिट होता है मिट नहीं सकता भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता। द राइटिंग ऑफ फेट इज इनडेलिबल माने होता है अमिट इनडेलिबल माने होता है अमिट। जो मिट नहीं सकता उसे अमिट कहते हैं। द राइटिंग ऑफ फेट इज इनडेलिबल भाग्य का लिखा अमिट होता है मिट नहीं सकता। अब की बार मुझे क्षमा करें एक्सक्यूज मी दिस टाइम। अब की बार उसे क्षमा करें एक्सक्यूज हिम दिस टाइम। अब की बार उस लड़की को क्षमा करें एक्सक्यूज हर दिस टाइम। इस तरीके से ये पांच सेंटेंस 500 के बराबर है। कितने भी सेंटेंस इससे संबंधित बनाए जा सकते हैं। कैसी लगी है मेरी वीडियो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।